Good morning to all my dear students, class 1. Today I am here to teach you the subject maths, chapter number 3. So let's begin now. The name of the chapter is addition. Addition means add karna, jodna. आइए हम देखते हैं कैसे यहाँ बताया गया है ऐड करने को. 3.1 इंट्रोडक्शन, परिचय. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. फर्स्ट 1 2 3, थ्री बॉल्स प्लस टू बॉल्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, फाइव बॉल्स. इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज, इनको छोटे में कैसे लिखते हैं. 3 + 2 = 5, और 3 + 2 = 5. नेक्स्ट 1 2 3 4 5, फाइव बनानास प्लस 1 2 3 4, फोर बनानास इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन बनानास. इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज 5 + 4 = 9. वन मोर सिस्टम, 5 + 4 = 9. तो ये लिखने का ढंग है, लिखने का तरीका है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. 1 2 3 4 5 6, सिक्स एप्पल्स प्लस 1 2 3 4 5 6 7, सेवन एप्पल्स इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू इसको बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 apples. In short, it can be written as 6 + 7. 6 + 7 = 13. ये 6, ये 7 is equal to 13. 6 + 7 = 13. नीचे भी देखते हैं. मेक द न्यू, मेक द फॉलोइंग एडिशन क्लियर. ये दूसरा एडिशन जो है क्लियर रूप से दिया गया है. कैसे दिया गया है देखिए, क्या है ये. 5 + 4 = 9, 3 + 8 = 11, 5 + 5 = 10, 9 + 0 = 9, 0 + 8 = 8. जब जीरो में कोई नंबर ऐड होता है तो नंबर आता है, ना कि ज़ीरो आता है. 12 + 2 = 14, 13 + 4 = 17. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ ऐड द फॉलोइंग, यहाँ तो अभी ऐड करके दिखाया है, यहाँ आपको स्वयं से ऐड करना है. 3 + 5 = 8, 16 + 1 = 17, 12 + 1 = 13, 7 + 2 = 9, 4 + 5 = 9, 10 + 6 = 16, 11 + 6 = 17, 3 + 14 = 17, 19 + 0 = 19, 7 + 8 = 15, 8 + 8 = 16. ये होता है. अब यहाँ अभी इन शॉर्ट इस तरह से यहाँ करके दिखाया था, और दूसरा ये सेकंड नंबर ऐड है. 9 + 1 = 10, 10 + 3 = 13, 3 + 4 = 7, 10 + 2 = 12, 11 + 4 = 14, 4 + 4 = 8,
11 plus 3 is equal to 14. 12 plus 5 is equal to 17. 4 plus 5 is equal to 9. 12 plus 4 is equal to 16. 13 plus 6 is equal to 19. 6 plus 7 is equal to 13. 15 plus 3 is equal to 18. 16 plus 2 is equal to 18. 8 plus 5 is equal to 13. 16 plus 3 is equal to 19. 17 plus 0 is equal to 17. 8 plus 16 is equal to 24. 9 plus 0, 19 plus 0 is equal to 19. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द मिसिंग नंबर्स. यहाँ नंबर मिसिंग है, यहाँ वन नंबर दिया गया है, प्लस है, उसके पास ब्लैंक स्पेस है, इज इक्वल टू 16 दिया गया है. तो यहाँ हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे. हमने 16 आपका इज इक्वल टू 16 नंबर जो है, इसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमको यहाँ खाली स्थान में भरने के लिए नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, 12 16, 6 से 2 को कट किया तो 4 आ गया, 1 से 1 को कट किया तो कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ आंसर आता है 4. 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16. ऐसे यहाँ भी है, 15 प्लस ये ब्लैंक, ये स्पेस खाली है, मिसिंग है, इज इक्वल टू 18. तो 18 से जब हम 15 को कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा 3. 8 माइनस 5, 8 में से 5 को कट करेंगे, आप अपने फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं, 8 काउंट कीजिए, उसमें 5 कट कीजिए, तो यहाँ आएगा 3. अब 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा आपका 3. यहाँ भी आपको ऐसे ही फिल करना है, 5 प्लस यहाँ ब्लैंक इज इक्वल टू 9. 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर प्लस क्या करना है, ये नंबर हमें मिल जाएगा. अब हमने देखिए 5 और 4 को प्लस किया तो क्या आ गया आंसर, 9 आ गया. ऐसे ही यहाँ भी है, 10 प्लस ब्लैंक है, खाली है, इज इक्वल टू 11. तो 11 से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ आ गया 1. 12 प्लस ये ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू 19. 19 से जब हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया, यहाँ हमने 7 लिखा. ऐसे ही 11 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 11. 11 से 11 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया, 0. मम्मी ने आपको 11 रुपीज़ दिया, आपने वो पैसे सिस्टर को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, 0. तो 11 से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 0. 13 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 15. 15 से 13 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 3 को कट किया तो आया 2, 1 से 1 कट गया, कुछ भी नहीं. तो 14 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 20. 20 से 14 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा आंसर 6. तो इस तरह से आपको इस सभी ब्लैंक्स को, जो ब्लैंक स्पेस हैं, इनको आपको फिल करना है. आइए हम यहाँ पर आपको एक न्यू मेथड से एडिशन करना सिखाते हैं. देखिए, एडिशन टेबल दिया गया है, एडिशन टेबल, ऐड करने का टेबल मींस पता है आपको, पहाड़ा. कंप्लीट द एडिशन टेबल, इस एडिशन टेबल को कंप्लीट करना है. कंप्लीट करना है तो मैं एक करके आपको दिखाऊंगी, फिर आप करेंगे. आइए, इसके लिए हमको क्वेश्चन नंबर बी पर चलना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर बी क्या है,
यूज़ दिस टेबल टू फाइंड, इस टेबल को यूज़ करके हमें इस नंबर्स को फाइंड करना है। क्या है ये? 6 + 8। तो हम देखेंगे, यहाँ से पहले हम 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हम आ गए 6 पर, ठीक है, ये 6 है। अब नेक्स्ट नंबर है प्लस एट। अब हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे 1 2 6 के बाद 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 है ये, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 8 पर आप पहुंच गए, 8 नंबर पर आप पहुंच गए। तो यहाँ पर आपने काउंट किया, ये 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 14, ये क्या आ गया आपका? 14। तो 6 6 + 8 = 14। ऐसे ही हम दूसरा नंबर भी देखेंगे, 5 + 10 = 15। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 के बाद 10 आपको काउंट करना है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब हम 10 तक पहुँचे तो क्या आ गया? 15। 15 तो इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर सी देखें, 8 + 10 = 18। 18 कैसे आया? 8, सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, 8 काउंट किया, और नेक्स्ट नंबर है 10, यहाँ से हम देखेंगे 10 तक, तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ क्या आ गया? इज इक्वल टू 18। तो आप यहाँ 18 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 8 + 6 = 8, जैसा कि हमने इस टेबल को दिखाया, 8 के बाद आपका है 6, तो इधर से हम 6 तक जाएंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 6 पर पहुँचे हम, तो क्या आया? 14। तो हम 8 + 6 = 14, यहाँ से हमने 8 लिया और यहाँ से हमने 6 लिया, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 14, यहाँ आया 8 + 6 = 14। नेक्स्ट देखते हैं 10 + 5, यहाँ हमने 10 लिया, ये 10 हो गया, इधर हमने 5 लिया, 10 11 12 13 14 15, यहाँ 5 पर पहुँचे, तो क्या आ गया? 15 = 15। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 + 8, फिर हमने 10 लिया और इधर से हमने लिया 8, 10 के बाद 10 after 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 लिया था ना, 8 तक आए हम, तो क्या आया? 18, हमने यहाँ लिखा 18। 7 + 3 = 10, यहाँ से हमने 7 लिया, 7 के बाद इधर से 3 लिया, 1 2 3, तो 7 8 9 10, यहाँ 10 आया। 8 + 4, यहाँ से हमने 8 लिया, 8 यहाँ से हमने 4 लिया, तो 8 after 8 के बाद 9 10 11 12, 4 तक क्या आया? 12 = 12। तो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ऐड करके लिखने में इजी होगा, तो आप ट्राई करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग ऐड करना और ऐड करके यहाँ पर लिखना। ओके, एडिंग 3 नंबर्स, यहाँ पर देखिए, अभी हमने 2 नंबर्स के एडिंग पढ़े, 1 और 2, 2 नंबर्स के एडिंग पढ़े, अब यहाँ 3 नंबर्स के एडिंग दे रहा है। 3 नंबर क्या है? 1 2 3, 3 balls + 1 2 3 4, 4 balls + 2
टू बॉल्स, तो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल्स आता है। बट इन शॉर्ट हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 नीचे 4 नीचे 2 इज इक्वल टू 9 आता है। तो इसको हम देखें काउंट भी कैसे करें, और 3 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ये आता है आपका 9। तो ये 3 नंबर्स को एडिंग करना है। आइए हम देखते हैं, यहाँ अगेन करके दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 प्लस 5 फ्लावर्स, प्लस 1 2 3 4 5 6 सिक्स फ्लावर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फ्लावर्स। इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज 7 5 6 प्लस इज इक्वल टू, आर 7 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो ये आता है आपका 18। ये हम आपको समझा रहे हैं। तो अभी आप यहाँ आपके चैप्टर में था इसलिए हमने आपको समझा दिया, बट इसको हम नेक्स्ट डे फिर से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 38 तक ये आपको कंप्लीट करना है। ये चैप्टर हम नेक्स्ट डे फिर से पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।